राजा वाजिद रहमान साहब, चौधरी अंसर इकबाल साहब तशरीफ लाए। मैं आपको आज कोशिश की है कि जितने नाम मैं ले सकूं या जो मुझे पता थे। मैं गल्ला तो बहुत सारिया जो करना चाहना सा, अलबत् टाइम इस वक्त है इजाजत नहीं देना। बहरहाल मैं दुआ करना कि अल्लाह पाक जरा ये मजमा लगा और इसनी खुशी है जी 25 तारीख की 17 से भी मिला है। बाकी दोस्तों, चौधरी आफ्ताब साहब, राजा वाजिद रहमान साहब, चौधरी अंसर इकबाल साहब, जेडे सरारक काफलाज साढ़े, मैं चौधरी आफ्ताब साहब की तरफों, पूरे डड़ियाल शहर की तरफों ये जनाबे बेहतरीन प्रोग्राम से शिरकत की है, इसमें शुक्रिया भी अदा करना। और नाल मैं टाइम ने किल्लत की वजह तू सिर्फ इंतहाई मुख्तसर करने वाले करते हुए ये बात कर रहा हूँ कि नाजरीन देख सकते हो, सामीन सुन सकते हो, सामने सामने समझ लगी हो कोई नहीं, नाजरीन देख सकते हो, सामीन सुन सकते हो, सामने सामने। अजा जलसा जड़ा उस भाई उड़िया कि कामयाबी केड़े पास है, इंशाल्लाह जिस तरह मसूद खालिद साहब ने कायद आख्या सी मुझे निकाला क्यों है, उस 25 तारीख उन्हें यह भी आना में कि रवाया क्यों है, ऐलान हो ही चुका है। 7 यूनियन काउंसिल और अल्लाह ने फजलो करम नाल सारा जी सब तू बड़ी यूनियन काउंसिल कठाड़ा है, उसकी चैलेंज है कि डड़ियाल शहर इंशाल्लाह तुसों की टॉप कर सी। और डड़ियाल शहर चौधरी आफ्ताब ना साथ दे सी, और अगर सादिक ना साथ दे सी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ना साथ दे सी, और खान इमरान खान ना साथ दे सी। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी, क्योंकि मिनिस्टर साहब के साथ वफाकी वज़रा के साथ जो मेहमान आएंगे। मुझे बात है सुबह हो गई, ये प्याम दे गई है, मुझे बात है सुबह हो गई, जो रही तो खुद ही तो जो रही खुद। अगर सादिक साहब इनका दिन पीटीआई की जीत का दिन होगा, वो हमारे बाकी भी कौमों की तरह जवाब दे। मेरे भाई, मेरे डियार के लोग तरीके इंसाफ के साथ थे और 25 जुलाई से पहले ही उन्होंने आज फैसला दे दिया है। साहब मुराद सही साहब और पैसे सुल्तान महमूद साहब जैसे हों तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी से अल्लाह के हुक्म से होगा। कश्मीर से प्यार किया की कमी है लेकिन मेरे अजीज भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, आज यूनाइटेड नेशन में बुलंद की, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इमरजेंसी आपने सुना लिया। इलेक्शन से पहले ही इमरान खान के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में, अजहर सादिक साहब के हक में अपना फैसला सुना दिया है। जितनी भी आपके ओवरसीज के लोग हैं उनको वोट का हक दिलाएंगे, ये बदकिस्मत है कि उस पुल का इफ्ताह करें, ये पीटीआई हुकूमत आगे इंशाल्लाह उसका भी इफ्ताह करेगी। तहे दिल से मशकूर हूँ क्योंकि कल मैं जब मीरपुर पहुंचा कि जानो माँ की कुर्बानियां देकर हमने खिता और मुल्क हासिल किया, और वो इन डाकुओं और लुटेरों ने हाथ फैला फैलाकर से बात होगी तो पहले कश्मीर पर बात होगी वरना कोई बात नहीं होगी। मेरी कौम मेरे साथ सख्ती बर्दाश्त करेगी लेकिन मैं अपनी कौम को आजाद करूंगा, मैं इस कौम को आजाद और खुद मुख्तार करूंगा। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं जो बात करता हूँ सच्ची करता हूँ। उनको वोट ढाक दिया जाए तो वहाँ पे वोट डाकू खिलाफ खड़े हो गए, और जाहिर बात है डाकुओं के पैरों का जो होते हैं वो जेब कुतरे और